सोशल मीडिया पर जातिगत धार्मिक भड़काऊ पोस्ट करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक संघ के अध्यक्ष का एक वर्ष का वेतन वृद्धि रोक दिया है। बता दें कि विकासखंड कोराव के कंपोजिट विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक महेंद्र कुमार सिंह ने विकासखंड कोराव का बेसिक शिक्षा विभाग का बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप में दिनांक 19 अगस्त 2022 को 10:48 पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया, जिसमें महेंद्र सिंह ने लिखा, जिस तरह से वर्तमान सरकार हिंदू के नाम पर वोट लेती है परंतु नीचे नीचे चोर दरवाजे से सब कुछ खत्म कर रही है, जब भागीदारी की बात आती है तो आगे आगे यही लोग रहते हैं। साथियों, पूरे देश प्रदेश की हालत आप सब देख रहे हैं। इसी प्रकार 2 सितंबर 2022 को महेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर से प्रातः 8:34 पर पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि भगवान ने किसी को अपना एजेंट नियुक्त नहीं किया है, धर्म भगवान ने नहीं बल्कि धूर्त इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, धर्म भगवान के नाम पर अंधविश्वास पाखंड कुरीतियों के द्वारा बहुसंख्यक समाज के साथ भेदभाव शोषण उत्पीड़न करने का विरोध करना किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसी प्रकार 14 सितंबर 2022 को प्रातः 6:20 पर पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि यह ब्राह्मण भी बहुत अजीब होते हैं, पड़ोसियों के बच्चों को नौकरी न लगने का कारण ग्रह दोष बताते हैं और खुद के बच्चों को नौकरी न मिलने का कारण आरक्षण बताते हैं। इसी क्रम में फिर 21 सितंबर 2022 को सुबह 10:01 पर इसी नंबर से पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया, आप सबका जन्मजात गुण है कि आग भी लगाते हैं और पानी भी लेकर दौड़ते हैं। उक्त प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी कोराव से कराई गई, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि महेंद्र कुमार सिंह कंपोजिट विद्यालय सिकरो द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है। स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि महेंद्र कुमार सिंह द्वारा की गई टिप्पणी अवांछनीय है, जो किसी भी सभ्य व लोकतांत्रिक समाज के लिए उचित नहीं हो रही है। प्रथम दृष्टया कर्मचारी आचरण नियमावली से प्रतिबद्ध शर्तों का उल्लंघन करती है, आपके द्वारा विभाग की छत झुमिल हुई है, अतः आपकी एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी जाती है और भविष्य में ऐसी गलती हुई तो आपके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। वहीं इस बाबत शिक्षक महेंद्र कुमार सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चुनावी रंजिशन ऐसा मेरे साथ हुआ है।